हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं पिरामिड लेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें से हमने पिरामिड लेज इम्प्लीमेंट्स में आपका इंडिजीनियस प्लाउ और एमबी प्लाउ को कवर किया हुआ। अब आगे उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क प्लाउ के बारे में, जो कि एक पिरामिड लेज इम्प्लीमेंट ही है। एज यू नो, हमारा जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्क प्लाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिस्क प्लाउ क्या है और डिस्क प्लाउ का एडवांटेज क्या है। जब आपके पास एमबी प्लाउ था तो डिस्क प्लाउ की क्या जरूरत हुई, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो जिसके एडवांटेजेस हैं डिस्क प्लाउ के, जो उसके डिसएडवांटेज हैं, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले डिस्क प्लाउ की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्क प्लाउ क्या होता है। तो इट इज़ ए प्लाउ विच कट टर्न एंड इन सम केसेस ब्रेक फरो स्लाइसेस बाई मीन्स ऑफ सेपरेटली माउंटेड लार्ज स्टील डिस्क। एक लार्ज स्टील डिस्क होता है, आगे हम लोग इमेज देखेंगे। तो डिस्क प्लाउ काम क्या करता है, जो एमबी प्लाउ का काम करता था सॉइल को पल्वराइजेशन करता था, वो एज इट इज काम आपका डिस्क प्लाउ भी करता है। बट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आपका एमबी प्लाउ, या फिर इसको जो कंस्ट्रक्शन होते हैं फीचर, तो सारा चीज अलग होता है। बट जो काम है वो टिलेज इंप्लीमेंट है, तो इसका भी काम वही क्या होगा, टिलेज ऑपरेशन करने का, ठीक है ना। ए डिस्क प्लाउ इज डिजाइन with a view to reduce friction by making a rolling plow bottom instead of sliding plow bottom, ठीक है। तो जो आपका MB plow क्या था, उसमें sliding plow bottom था, उसमें वो किस principle पे work करता था, suction के principle पे work करता था। उसको अपन क्या करते थे, हीच करते थे। बट जो disc plow होता है, इसमें जो disc होता है वो roll करता है। एक particular standard provide करा जाता है, particular एक रॉड होता है जिसमें एक बीरिंग्स लगे होते हैं, टैपर्ड रोलर बीरिंग, उसमें आपका डिस्क क्या होता है, माउंट होता है। तो वो क्या होता है, वहां पर रोलिंग एक्शन होता है, ना कि स्लाइडिंग एक्शन होता है। अ डिस्क प्लाउ वर्क्स वेल इन द कंडीशन वेयर मोल्ड बोल्ट प्लाउ डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्ट्री। देखो, जहां पर आपका एमबी प्लाउ ठीक से काम नहीं कर पाता है, या फिर जहां पर आपका एमबी प्लाउ प्रॉपर वर्क ना कर पाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, वहां पर आपका डिस्क प्लाउ क्या होता है, प्रॉपरली वर्क कर जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क प्लाउ हो गया। अब डिस्क प्लाउ के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो जो हमारे एडवांटेजेस हैं और क्या है कुछ आपके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो डिस्क प्लाउ के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसको अपन वन बाय वन देखते चलते हैं कि डिस्क प्लाउ को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज आपका क्या है, अ डिस्क प्लाउ कैन बी फोर्स टू पेनिट्रेट इन द सॉइल विच इज टू हार्ड एंड ड्राई फॉर वर्किंग विद अ मोल्ड बोल प्लाउ। तो ऐसा सॉइल जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, उसको क्या कर सकता है, ये फोर्स पेनिट्रेट कर सकता है उस सॉइल पे, कौन सा आपका डिस्क प्लाउ। और इन केस ऑफ एमबी प्लाउ क्या होगा, वहां पर वो पेनिट्रेट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सॉइल क्या है, बहुत ही हार्ड है, या फिर जो ड्राई सॉइल है वहां पर एमबी प्लाउ प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो आपका डिस्क प्लाउ क्या करेगा, वहां पर बहुत अच्छे से वर्क परफॉर्म करेगा। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है किसका, आपका डिस्क प्लाउ का, एज कम्पेयर टू आपका एमबी प्लाउ, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, इट वर्क्स वेल इन स्टिकी सॉइल इन विच अ मोल्ड बोल्ट प्लाउ डज नॉट स्कोर। देखो, स्टिकी सॉइल में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप एमबी प्लाउ की हीच करोगे, हम लोग टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड पढ़े थे, वहां पर एक टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड था आपका स्लैट टाइप। तो स्लैट जनरली क्या होता है, जो स्लैट टाइप मोल्ड बोर्ड है वो आपकी स्टिकी सॉइल में यूज होता है, ठीक है ना। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर भी वो प्रॉपरली उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, फिर इस चीज का ओवरकम कौन करता है, आपका डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ इजीली क्या होगा, जो स्टिकी सॉइल है वहां पर अच्छे से वर्क कर लेता है आपका, एज कम्पेयर टू एमबी प्लाउ। एमबी प्लाउ में स्कोरिंग अगर प्रॉब्लम होगा, स्कोर का मतलब होता है जैसे कि जो भी आपका मोल्ड वोल्ड है उसमें क्या होता है, आपका सॉइल चिपक जाता है, स्टिकी होता है, तो इसकी प्रॉब्लम आती है। तो डिस्क प्लाउ में क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो प्रॉपरली क्या करता है, वहां पर स्टिकी सॉइल में भी डिस्क प्लाउ प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, इट इज मोर यूजफुल फॉर डीप प्लाउइंग। देखो, जनरली क्या होता है, जो जो डिस्क प्लाउ है उसकी जो वर्किंग डेप्थ होती है ना, वो एमबी प्लाउ के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। या फिर जो अगर आपको जहां पर डीपर प्लाउइंग चाहिए, या फिर ज्यादा डेप्थ में प्लाउइंग चाहिए, वहां पर आप डिस्क प्लाउ यूज कर सकते हो। और हालांकि ये भी पिरामिड लेज इंप्लीमेंट है, तो इसका भी वर्किंग डेप्थ मोर देन 15 सेंटीमीटर होगा। बट जैसे कि आपका एमबी प्लाउ का वर्किंग डेप्थ 15 टू 25 वेरी करता है, तो इसका जो वर्किंग डेप्थ है 20 टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ पर ये आपका डिस्क प्लाउ वर्क करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज सेफली इन स्टोनी एंड स्टम्पी सॉइल विदाउट मच डेंजर ऑफ ब्रेकेज। अब देखो, स्टम्पी सॉइल और आपका जो स्टोनी सॉइल हो गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका फील्ड हुआ, तो फील्ड में क्या होते हैं, अगर स्टोन्स हैं, तो अगर आप एमबी प्लाउ यूज कर रहे हैं वहां पर, तो एमबी प्लाउ के जो आपका कटिंग पॉइंट क्या होता है, शेयर होता है।
और शेयर में भी सबसे जो शेयर पॉइंट होता है वो क्या करता है, आपको पेनिट्रेट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो अगर वहां पर आपका कुछ भी अगर स्टोन वगैरह आ गया, स्टोन वगैरह आ गया, आप शक कर रहे हो, तो स्टोन क्या स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर, तो आपका जो शेयर पॉइंट जो शार्पनेस है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। या फिर कहीं पर कुछ रूट वगैरह आ गया, जैसे कि मान लो आपका फील्ड है, आपके जो फील्ड में क्या है, कुछ ट्रीज वगैरह है, कुछ प्लांट्स वगैरह हैं, उसके रूट क्या है फैले रहते हैं, अगर उसमें रूट आ गया तो वो क्या होगा, फंस जाएगा उसमें। और आप तो एमबी प्लॉग को कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर आप क्या कर रहे हो, उसको हीच कर रहे हो, तो वहां पर उसका डैमेज होने का चांसेस रहता है। बट इन केस ऑफ अगर इसके टर्म्स में बात करो, किसके टर्म्स में, डिस्क प्लॉग के टर्म्स में, तो इसमें क्या होता है आपका रोलिंग एक्शन होता है। तो रोलिंग एक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें अगर सामने कुछ भी है इसको हीच कर रहे हैं, बट वो क्या होता है जो डिस्क लगा होता है वो अपने स्टैंडर्ड पे क्या करता है, ऐसे रोल रोल करते रहता है, ठीक है ना। तो ये इजीली स्टोनी सॉइल हो गया या फिर स्टम्पी सॉइल में क्या करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और ब्रेकेज का चांसेस नहीं होता है। और एमबी प्लॉ में क्या होगा, उसमें ब्रेकेज का चांसेस होता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस क्या है, इट वर्क्स इन लूज सॉइल आल्सो विदाउट मच क्लॉगिंग। देखो जो लूज सॉइल होता है उसमें क्लॉगिंग की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो जो डिस्क प्लॉग होता है उसमें क्या होता है, एक स्क्रैपर लगा होता है जो कि जो अभी जो भी क्लॉगिंग होता है डिस्क उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। बट एमबी प्लॉग के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होता है जो आपका डिस्क प्लॉग है वो आपके जो लूज सॉइल है वहां भी क्या करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर किसी चीज के एडवांटेज हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज दूसरा पहलू भी होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, जो कि पहला डिसएडवांटेज आपका है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कवरिंग सरफेस ट्रेस एंड वीड्स एज इफेक्टिवली एज मोल्ड बोल्ड प्लाउ। देखो जो इसका एडवांटेजेस है डिस्क प्लॉग का, वो आपका एमबी प्लॉग का क्या है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो आपके एमबी प्लॉग का क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। एमबी प्लॉग में क्या होता था, जब अपन फील्ड में टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो जो सॉइल होता है वो कम्प्लीटली टर्न होता है, मतलब जो अपर सरफेस है वो कम्प्लीटली डाउनवर्ड चला जाता है। और जो एक पर्टिकुलर डेप्थ में, अगर जितने डेप्थ पे आप वर्क कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर का डेप्थ हो, तो उस डेप्थ पे जो सॉइल होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, अपर सरफेस पे जाता है। और अपर सरफेस से जो भी ट्रेसेस हो, ग्रासेस हो, वीड्स हो, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर ऐसे कवर अप हो जाता है। बट डिस्क प्लॉग केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जो कि एक इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है अपना, कंपेरेटिवली द डिस्क प्लाउ लीव द सॉइल इन रफ एंड मोर क्लॉडी कंडीशन देन दैट ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ, ठीक है ना। जो डिस्क प्लाउ होता है वो जो फील्ड होता है उसको रफ और मोर क्लॉडी कंडीशन में छोड़ देता है, एज कम्पेयर टू मोल्ड बोल्ड प्लाउ। मोल्ड बोल्ड प्लाउ में जब अपन परफॉर्म करते हैं जो क्लॉट साइजेस होते हैं उसमें स्मॉल साइज के क्लॉट्स होते हैं, बट आपके डिस्क प्लाउ में जो क्लॉट का साइज होता है वो कंपेयर टू मोल्ड बोल्ड प्लाउ, इसमें क्या होता है क्लॉट का साइज बड़ा होता है, और जो फील्ड होता है वो रफ कंडीशन में होता है एज कम्पेयर टू मोल्ड बोल्ड प्लाउ। ये इसके क्या हो गए, एक से दो आपके डिसएडवांटेजेस हो गए, और इससे पहले जो अपन डिस्कस किए थे ये क्या हो गया आपका एडवांटेजेस हो गया, और ये डिस्क प्लाउ का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। सो अगर आपको डिस्क प्लाउ का एडवांटेजेस ओवर एमबी प्लॉग या फिर डिसएडवांटेजेज ओवर एमबी प्लॉग ये कुछ अगर लिखने को आया, तो आप यहाँ से इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या फिर आप मोल्ड बोल्ड प्लाउ एमबी प्लॉग का एडवांटेजेस लिखने आया तो उसमें ये लिख सकते हो कि जो मोल्ड बोल्ड प्लाउ होता है वो सॉइल को, जो सॉइल कवरिंग सरफेस और ट्रेसेस वीट को अच्छे से कवर करता है, और ये मोल्ड बोल्ड मतलब जो मोल्ड बोल्ड प्लाउ होता है वो डिस्क प्लाउ के कंपेरिजन में रफ कंडीशन पे नहीं छोड़ता है सॉइल को। तो जो इसका डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज हो जाएगा, और जो उसका एडवांटेजेस है वो एमबी प्लाउ क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दोनों चीज कवर होता है, एमबी प्लाउ हो चाहे डिस्क प्लाउ हो, और दोनों प्राइमरी ट्रेज इंप्लीमेंट है। अगर दोनों का कंपेरिजन पूछेगा तो ये लिखना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर का, या फिर डिस्क प्लाउ का एडवांटेज पूछे या फिर डिसएडवांटेजेस पूछे, तो यहाँ से वो आप पॉइंट उठा सकते हो। या फिर अगर एमबी प्लाउ का एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछे, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके उसको अपना आंसर राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या चीज आपका डिस्क प्लाउ के बारे में, थोड़ा ओवरव्यू हो गया, उसके डेफिनेशंस हो गए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ, ठीक है ना, कि जैसे कितने टाइप का डिस्क प्लाउ होता है। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ और एक होता है क्या चीज, वर्टिकल डिस्क। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ के बारे में और वर्टिकल डिस्क प्लाउ के बारे में, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ आएगा तब क्या लिखना है आपको, दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, सेकंड होता है वर्टिकल डिस्क प्लाउ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और स्टैंडर्ड प्लाउ क्यों बोला जाता है, वर्टिकल डिस्क प्लाउ को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ। सो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टील डिस्क ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर डायमीटर सेट अ सर्टेन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। देखो जो
स्टैंडर्ड डिस्क प्लग होता है उसमें जो डिस्क लगा होता है वो उसकी डायमीटर या फिर उसकी साइज क्या होती है 60 to 90 सेंटीमीटर, 60 to 90 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है जनरली, और एक पर्टिकुलर एंगल में उसको सेट किया जाता है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है ना। इच डिस्क रिवॉल्व ऑन ए स्टब एक्सल इन ए थ्रस्ट बीयरिंग। जो पर्टिकुलर एक डिस्क होता है जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव में, हर एक डिस्क के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है, एक स्टब एक्सल प्रोवाइड किया जाता है जहां वो बीयरिंग के ऊपर क्या होता है वो माउंट होता है। नेक्स्ट आपका डिस्क इज मेड ऑफ हीट ट्रीटेड स्टील ऑफ 5 mm to 10 mm थीकनेस, ठीक है। जो आपका डिस्क होता है उसकी जो थीकनेस होती है वो कितनी होती है, 5 mm to 10 mm थीकनेस, वो वेरी करता है 5 mm to 10 mm अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपका डायमीटर है 60 से 90 डायमीटर वेरी कर रहा है, उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू डायमीटर अपन क्या करते हैं जो डिस्क का जो थीकनेस है वो वेरी करता है। अगर डायमीटर का साइज अगर कम है तो थीकनेस भी कम होगा, अगर लार्ज डायमीटर है, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायमीटर अगर 90 सेंटीमीटर तो वहां पर थीकनेस कितना हो जाएगा 10 mm थिकनेस तक वो वेरी करता है। द एजेस ऑफ द डिस्क इज वेल शार्प टू कट द सॉइल, जो डिस्क का जो एजेस होते हैं वहां पर वो क्या होता है बहुत ही शार्प होता है क्योंकि वहीं से कटिंग का एक्शन होता है। जैसे कि आपके एमबी प्लॉ में जो शेयर होता है पॉइंट शेयर पॉइंट होता है वो पेनिट्रेट करने का काम करता है, और शेयर क्या करता है फरोस स्लाइस को कट करने का काम करता है। जो तो डिस्क होता है तो डिस्क का जो एजेस होते हैं ना वो जो एजेस होता है वो क्या करता है आपका कटिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द कॉन्केविटी वेरीज विद द डायमीटर ऑफ डिस्क, 8 सेंटीमीटर फॉर 60 सेंटीमीटर डायमीटर डिस्क एंड 16 सेंटीमीटर फॉर 95 सेंटीमीटर डायमीटर। जो कॉन्केविटी होती है, जो डिस्क होता है कॉन्केव शेप में होता है, तो जो कॉन्केविटी होती है, कॉन्केविटी मतलब क्या उसके है जो उसके सेंटर पॉइंट से लेकर अगर आपका जो दो एंड है वहां पर एक आप स्केल रख दोगे और उसके जो डेप्थ मेजर करोगे आप, ठीक है ना, कॉन्केविटी वो क्या कहलाता है आपका कॉन्केविटी। तो अगर आपका 60 सेंटीमीटर डायमीटर है अगर आपका डिस्क है तो उसकी कॉन्केविटी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर के आसपास, और अगर 95 सेंटीमीटर डायमीटर का है आपका तो उसकी कॉन्केविटी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव का क्या चीज आपका कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो जैसे कि देखो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है जैसे कि ये वाला इमेज में देखो ये क्या होता है ट्रैक्टर के पीछे थ्री पॉइंट लिंकेज से क्या होता है अटैच्ड होता है, और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये देखो ये 1 2 3 ये थ्री बॉटम मतलब 1 2 3 3 डिस्क है इसमें लगा हुआ, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे थ्री बॉटम डिस्क प्लाव, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका फरो व्हील। और अब देखो ये वाले इमेज में देखो क्या ये जैसे कि यहाँ पर क्या है स्क्रैपर दिख रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन देखो ये क्या है आपका स्क्रैपर है, ये हो गया डिस्क हो गया, ये जो डिस्क है ये थ्री पॉइंट लिंकेज से क्या होता है कनेक्टेड होता है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो ये देखो ये जो रेड कलर का ऐसे इधर दिख रहा है यहाँ पर ये देखो ये वाला इसको क्या बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये हो गया आपका फ्रेम हो गया, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा फ्रेम हो जाएगा, और ये फ्रेम के ऊपर में थ्री पॉइंट लिंकेज अटैचमेंट के लिए दिया हुआ है, इसे क्या करते हैं अपन थ्री पॉइंट जो आपका ट्रैक्टर के पीछे में जो थ्री पॉइंट लिंकेज होते हैं दो आपका लोअर लिंक होता है और एक टॉप लिंक होता है उससे इसको अपन क्या कनेक्ट है इससे कनेक्ट करते हैं। जो दो लोअर लिंक होते हैं वो हाइड्रोलिक से कंट्रोल होता है और जो टॉप लिंक होता है वो एज एक इसको अच्छे से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये डिस्क क्या होगा ये तो मेन कटिंग करने काम करता है, इसके जो एजेस होते हैं क्या होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, यही पर आपका क्या होता है जो कटिंग का एक्शन क्या होता है वो परफॉर्म होता है। ये क्या हो गया आपका स्क्रैपर, जो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसे लिखा हुआ स्क्रैपर, यहाँ पर देखो ये और जो दिख रहा है ये क्या है आपका स्क्रैपर हो गया। जब आपका जो मोल्ड बोल्ड प्लाउ है ये जब फील्ड में चलता है तो ठीक है फील्ड में चलेगा क्या होगा इसमें क्लॉगिंग हो जाता है, क्लॉगिंग इन द सेंस मिट्टी चिपक जाती है इसमें, स्टिकी सॉइल है क्योंकि जनरली जो मोल्ड बोल्ड प्लाउ को वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर सॉरी अगर जो आपका डिस्क प्लाव है उसको वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर आपका मोल्ड बोल्ड प्लाव अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है आपका स्क्रैपर है, इसको जनरली अपन क्या करते हैं स्टिकी सॉइल में यूज करते हैं, तो सॉइल इसमें क्या हो जाता है इसके सरफेस पे क्या हो जाता है स्टिक हो जाता है चिपक जाता है। तो ये जो स्क्रैपर है ये क्या करेगा उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है ना, उसको रिमूव कर देता है ताकि वो वापस जब वो कटिंग करने के लिए जाए तो उसमें क्या हो प्रॉपर कटिंग हो। तो ये हो गया स्क्रैपर का काम हो गया, ये हो गया आपका डिस्क हो गया। अब देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है क्या कहलाता है आपका स्टैंडर्ड, अब इसको स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डिस्क के लिए मतलब सिंगल सिंगल डिस्क के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड क्या कराया जाता है प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव। अब ये जो स्टैंडर्ड दिख रहा है जैसे कि ये वाली इमेज में देखो यहां पर लगा होता है एक बीयरिंग, जनरली डिस्क प्लाव में कौन सा बीयरिंग यूज होता है टेपर्ड रोलर बीयरिंग यूज होता है डिस्क प्लाव में, ये ध्यान रखना आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर क्या लगा होता है स्टब एक्सल होता है जहां पर क्या लगा होता है आपका टेपर्ड रोलर बीयरिंग, और ये क्या हो गया आपका डिस्क हो गया, डिस्क जो इसके ऊपर माउंट है, ठीक है ना। तो
और जो ये पीछे लगा हुआ है, ठीक है, पीछे लगा हुआ है क्या है आपका, फरो व्हील। फरो व्हील जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फरो, जो रियर फरो व्हील, फ्रंट फरो व्हील, गैज व्हील और ट्रांसपोर्ट व्हील जो डिस्कस किए थे, वो ही है क्या है, एक फरो व्हील है, जो कि जो फर जो अपना डिस्क जो है प्लाउइंग के बाद जो फरो फरो मेकिंग होता है उसके ऊपर क्या करता है, ये चलता है। ठीक है, ये तो हो गया मेन फ्रेम, हो गया ये वाला पोर्शन। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में तो सारा चीज आपका क्या होता है, माउंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो एक स्प्रिंग, ये क्या लिखा हुआ है, आपको स्प्रिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर कुछ जर्क वगैरह आया तो उसको क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके और आपके डिस्क में डैमेजेस ना हो। ठीक है ना, तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्या चीज, डिस्क प्लाउ। तो डिस्क प्लाउ के अगर कंपोनेंट लिखने आते हैं तो आप लिख सकते हो, जैसे कि ये वाले इमेज में दिख रहा है आपका, स्टैंडर्ड हो गया, मेन फ्रेम हो गया, स्प्रिंग हो गया, फरो व्हील हो गया, डिस्क हो गया, स्टब एक्सल हो गया, टेपर रोलर बीयरिंग हो गया, स्क्रैपर हो गया। ठीक है ना, तो ये सारा चीज क्या है आपका, कंपोनेंट ऑफ डिस्क प्लाउ हो गया। अब डिस्क प्लाउ हम लोग जो स्टार्ट किए हैं इसको, आज का वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट होता है, इसमें कुछ कुछ एंगल होते हैं, जैसे डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, ये सारी चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।